दोस्तों सावन आने से पहले ही झूला पड़ गया। ये नीम का पेड़ है। हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और अभी 9 बज रहे हैं, मतलब बहुत सुबह भी नहीं है और बहुत धूप हो रहा है। 9 बजे ही इतनी धूप देखे, मेरे रूम में पूरा धूप ही धूप आ गया। पर मैं नहा कर आई थी तो मैंने पूजा वगैरह कर लिया था और मैं आज सुबह से सफाई कर रही हूँ। आज है संडे, कल है मंडे, कल से मेरा सावन का सोमवार और उसी की वजह से मैं आज पूरे रूम की सफाई की हूँ। इधर कर लूँगी, उधर मैं कर नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने आज ही सारा घर की सफाई की है। फ्रिज वगैरह साफ़ किया, मंदिर साफ़ किया और बाल धुल के नहाए भी, तो सारा सब कुछ साफ़ किया, सारे कवर्स लगाए, सब कुछ किया। आज मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि काम मैंने ज़्यादा कर दिया और मेरा पता नहीं क्यों कल से सांस बहुत फूल रहा है, बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। शायद थोड़ा मेरा वेट बढ़ा होगा इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि 9 मंथ में बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, माँ का वज़न काफ़ी बढ़ जाता है, वेट काफ़ी बढ़ने से सांस फूलती है। तो ये सब चीज़ नॉर्मली है, मुझे पता भी है, बट थकान बहुत ज़्यादा मुझे हो गई और अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं, सुबह से बस काम में ही लगी थी। वैसे रोज़ मेरा नाश्ता हो ही जाता था और कल है सावन का सोमवार, मैंने सोचा है कि व्रत रहूँगी कैसे भी करके। सो ट्विंकल झूला के लिए जिद कर रही थी, सो माँ जी आज झूला के लिए, तो मैंने थोड़ा सा वॉक किया। थोड़ा सा वॉक करने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिलता है। सो दोस्तों ट्विंकल को मैंने दे दिया, ट्विंकल ने दूध पिया, वो भी सुबह से कुछ नहीं, आज काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। सो मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि क्यों बताऊँ। मैं 9 मंथ मेरा आज से स्टार्ट हो गया है और ये जो महीना है ना, ये हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए सबसे ज़्यादा कठिन होता है 9 मंथ, इसमें वेट बढ़ जाता है और उसके बाद से आपको सांस फूलना, घबराहट, पैरों में दर्द, स्वेलिंग, ये सब होना ही है। सो मेरे भी एक पाँव में हल्का सा सूजन सा लग रहा है, फिर भी काम नहीं रुका मेरा। और इन सब के बीच ट्विंकल का भी केयर पूरा ही करना पड़ता है, ट्विंकल बहुत ज़्यादा शरारत करती है। तो फिर मैंने उसको दूध पिलाया और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, सो मैंने भी अपने लिए गिलास में हल्दी वाला दूध लाया क्योंकि मेरे आज पाँव में दर्द था। सो मैंने एक गिलास दूध लाया और मैंने सोचा यही पी लेती हूँ, अभी नाश्ता नहीं बनाई थी मैं, तो मैंने सोचा दूध ही ले लेती हूँ। सो मैंने एक गिलास दूध पिया, काम करते करते बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और आज मैंने कुछ बनाने के लिए भी सोचा है। माँ जी कल से ही बोल रही थी कि मुझे पकौड़ी खानी है, सो आज बनाऊँगी मैं। हमारे यहाँ सावन में बैगन और साग और पत्ते की पकौड़ी ये सब नहीं खाते, तो कल से सावन है। आप लोग क्या ऐसा लोग बोलते हैं या फॉलो करते हो, आपकी नई कमेंट जरूर बताना। सो वो सब बनेगा, सो मैं सारा काम फिनिश करने के बाद अभी आपसे बातें करूँगी और चलिए दिखाते हैं मैंने क्या क्या सफाई की। हाँ प्यारी तो है ना। दोस्तों सामान सोमवार के लिए मैंने ये डिब्बी वगैरह सामान रखने के लिए सब साफ किया है, अब इसमें व्रत वाला सब रखना है। मैंने हनी भी मंगाया है, आप मधु जरूर चढ़ाइए भगवान को, जल में मिला के गंगा जल मधु, तो ये सब मैंने मंगाया। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों जैसे कि मेरा कल सावन का सोमवार का व्रत है, कल है सोमवार और सावन का पहला सोमवार है, मैंने सोच रखा है कि मैं व्रत तो रहूँगी, व्रत नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि मेरी हालत नहीं है ऐसी, पर रहना है मुझे। हाँ कह रही है ट्विंकल ट्विंकल आई लव यू, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल बिटिया बड़ी होशियार। Hehehehe
सो मुझे ब्लॉगिंग नहीं करने दे रही है ट्विंकल, मैं क्या करूं। क्या कर रही हो? चोट लग गया? चलो सोफे पे सुत जाओ, सोफे पे सुत जाओ। तो पंखा बंद कर दी ट्विंकल। क्या कर रही बेटा? ये देखो। वाह, ये मेरी ट्विंकल की गुड़िया, देखो कितना बड़ा लहंगा पहनी हुई है। डोरेमोन को यहाँ सजा रखा है। ये मेरी फोटो है शादी के पहले की। देखो मेरी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। अभी आप तो गुड़िया से भी सुंदर हो ट्विंकल। हाँ मैं गुड़िया से सुंदर हूँ। देखूं देखो तो, अरे देखो ये गुड़िया मेरी और ये गुड़िया, दोनों में कितना सुंदर, कौन सुंदर है? ट्विंकल सुंदर है ना, रियल वाली गुड़िया है। ये मेरी दोस्त है। दोस्त है? मैं इसको अपने दोस्त समझती हूँ मम्मा। इसको दोस्त बना ली हो अपना? मैं इसको अपने दोस्त समझती हूँ। अच्छा। सो दोस्तों, कल सावन सोमवार है इसलिए आज मैंने मंदिर की सफाई की, रूम की सफाई की, सब कुछ किया। बहुत थकान हो गई, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतना काम मुझे करना नहीं चाहिए बट मैं हल्का थोड़ा आराम कर करके सब करती रहती हूँ। सो देखो मैंने रूम की सफाई की, सब कुछ यहाँ पोछा झाड़ू किया पूरा रूम का, और इधर भी मैंने बिस्तर वगैरह साफ़ किया। ट्विंकल के खिलौने भी मैंने साफ़ किए हैं सब कुछ, क्योंकि मुझे व्रत में बहुत साफ़ सफाई चाहिए। तो दोस्तों कल सावन सोमवार है इसलिए मैंने सारी तैयारी की, मैंने बाल भी हाथ धुले हैं, तो सारी चीज़ें हो गई हैं। आप लोगों के यहाँ सावन की तैयारी हो रही है कि नहीं? तो सब लोग मना कर रहे थे व्रत मत रहो व्रत मत रहो, पर मेरा मन नहीं मान रहा। मैं सोच रही हूँ कि जो 500 मार पड़ेंगे तो जो पहला दूसरा रहेगा अब उसको रह लेती हूँ, उसके बाद जैसा अगर कंडीशन नहीं सही होगा तो मैं आगे का व्रत नहीं रहूँगी, महादेव से क्षमा मांग लूँगी। पर यह है कि पहला वाला तो रहूँगी ही, एक दो व्रत तो रहूँगी, 500 मार पड़ रहा है तो एक दो रह लूँगी, थोड़ा मन को शांति मिल जाएगा मेरे। सो क्या करूँ यार। सो फ्रेंड, मेरे पूरे रूम की साफ सफाई हो गई है, और आज हम लोगों के यहाँ ना सावन में साग वगैरह नहीं खाते। माँ जी बोलती है सावन में साग नहीं खाना चाहिए और ना ही पत्ते की पकौड़ी खाना चाहिए, तो इसीलिए आज डिसाइड हुआ है कि आज पत्ते की पकौड़ी बनेगी। और हालांकि मैं तेल बहुत नहीं खाती बट माँ जी का मन था खाने का, ट्विंकल का भी मन है, तो चलो बन ही जाता है। तो मैं हेल्प करवाऊंगी, माँ जी की भी हेल्प लूँगी, फिर आज बनाऊंगी, क्योंकि तो आज मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, पैरों में भी, मेरे दाहिने पैर में भी दर्द है। दवा भी चल रहा है पर कुछ फ़ायदा नहीं, दाहिने पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मेरा पेट भी देखो बहुत ज़्यादा निकल गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बस कुछ दिन की दूरी है, उसके बाद मेरा शायद ये कंडीशन वाला जो दिक्कत है ना वो सब पार हो जाएगा। आप लोग दुआ कीजिएगा, प्रे कीजिएगा, अच्छे से सब कुछ हो जाए। सो पंखे की आवाज़ से ना मेरी आवाज़ बहुत कम आती है फ्रेंड्स, सो एडजस्ट करिएगा। मैंने कूलर भी इसीलिए बंद कर देती हूँ, जब भी मैं ब्लॉगिंग में मुझे बोलना होता है मैं कूलर बंद कर देती हूँ, नहीं तो सारी आवाज़ कूलर पंखे की आती है, मेरी समझ में ही नहीं आती। सो आज मेरे गार्डन में भी बहुत सारा हरा हरा सब कुछ हो गया है, सो मैं उसको भी दिखाऊँगी। और ट्विंकल अपनी गुड़िया में खेलने में व्यस्त है, ये देखो ये दिन भर यही करती है। और ट्विंकल जिद कर रही थी झूला डालने के लिए, तो इसके लिए झूला भी सासू माँ डाली है, तो चलिए मैं उसको भी दिखाती हूँ। तो कल सावन सोमवार का व्रत रहना है इसलिए आज पकौड़े वगैरह भी बनेगा, तो कोशिश है कि लहसुन प्याज एक महीना सावन में ना पड़े। अगर परहेज कर लो तो बहुत अच्छा रहता है, जो नहीं कर सकते उसका भी क्षमा ही रहता है, कोई ऐसा नहीं है। मीट मछली नहीं खाना चाहिए सावन मास में,
हमारे घर वैसे भी कोई नहीं खाता, जिसके घर खाते भी हैं तो सावन में नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज भी अवॉइड कर दे तो बहुत अच्छा रहता है। सो मैं भी सोच रही हूँ एक महीना लहसुन प्याज नहीं डालूँगी। नज़र नहीं मेरी बात करते करते सांस क्यों इतना फूलता है। नहीं मेरी इस टाइम ना सांस बहुत फूल रही है, 9th month मेरा स्टार्ट हो गया है और दिक्कत यही है कि मेरी सांस फूलती है, घबराहट होता है बहुत ज़्यादा, शायद बीपी हाई कम होता होगा। सो आप लोग प्रे कीजिए मेरा बस बस से 9 महीना अच्छे से पार हो जाए, और तो सब मैंने पार ही कर लिया है। अरे उसका चेंज कर रही हो, अंकल बहुत ज़िद कर रही थी तो ऐसे ही माँ जी सासू माँ मेरी डाल दी इसके लिए। सावन में झूला झूल रही हूँ और कितने स्टाइल से, देखो ट्विंकल को डर भी नहीं लग रहा है। ऐसे तो मैं नहीं झूल पाऊँगी ट्विंकल। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, मुझे तो झूलने ही नहीं आता ट्विंकल इस तरह से। देखो कि ना ऊपर ऊपर झूलूँ ना। गिरोगी तब धीरे धीरे झूलो बेटा। अरे मुझे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता सावन में झूला, देखिए सावन लगने वाला है इसलिए पहले झूला ट्विंकल के लिए पड़ गया। वैसे भी ट्विंकल मैं झूल गया माता घर पर झूलती हैं। हाँ हाँ, गौरी मैया तो मायके गई थी सावन में झूला झूल रही थी पार्वती जी। तो दोस्तों आप लोग भी अपने घर झूला डालिए, सावन का आनंद लीजिए। चूड़ी भी जिद पे आई है, कगना ने शोर मचाई है, अब तो आजा परदेसी, सावन का महीना आया है। अरे वाह ट्विंकल मेरी, देखिए कितना अच्छा झूला झूल रही है, इसको बहुत तरह से आता है। और दूसरे तरह से झूलो। अरे वाह, और तारा दिखा है तेरे को। जैसे कृष्ण भगवान झूलते हैं। जैसे कृष्ण भगवान झूलते हैं वैसे ट्विंकल झूलने जा रही है। अरे वाह ट्विंकल, अरे वाह, गिरोगी तब क्या होगा, देखो झूली ना। अरे अरे बाप, गिर पड़ोगे ट्विंकल बच्चे, गिर पड़ोगे। गिरो गीता। सो फ्रेंड देखो यहाँ पे अरवी के पत्ते हैं, देखो बड़े बड़े, इसकी बनेगी पकौड़ी। तो मैंने दाल और चावल को भिगोए हुए हैं, उसको पीस के और इसका पोत के ऐसे पकौड़ी बनता है। सो अरवी के पत्ते हैं ये देखो। तो यहाँ थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं, तो मेरे के यहाँ सब्जियाँ इस समय तैयार नहीं है, बस ये हरी मिर्च थोड़ी सी भिंडी वगैरह है, ये थोड़ी भिंडी है शायद, ये भिंडी लगा हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ से मैं अरबी के पत्ते लेके जा रही हूँ, हरी मिर्च और बनेगा पकौड़ी। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सबको भी सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो दोस्तों यहाँ भी भिंडी बोया गया है, छोटा छोटा है अभी, ये भी जल्दी लगा है तो भी छोटा छोटा है। यहाँ भी थोड़े बहुत पौधे फूल वगैरह लगाए हैं, हमारा मटका पेड़ स्टेज है हमारा। तो फ्रेंड देखो मैं इतना सारा तोड़ के लाई भिंडी वगैरह, तो चलो मैं फ्रीज में रख देती हूँ, कभी मुझे बनाना नहीं है। मेरे बाजार की सब्जियाँ सूख रही हैं, पहले उसको बनाऊँ। से परवल आया था पूरा पक गया, सब कुछ बहाना पड़ेगा मुझे। तो अभी बाजार वाली जो सब्जी आई थी वही सब ख़राब हो गई, बनाई नहीं मिलता है, दो लोग हैं तो फिर सब्जियाँ वेस्ट हो जाती है सब बहुत। सो दोस्तों दाल चावल को पीसा, उसमें मसाला हींग नमक सब कुछ मिक्स किया, और चार पत्ते हमने लिए और चारों पे ऐसे लगा के उसको रोल बना लिया। अब हम चक्कू की मदद से गोल गोल इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और बेसन में डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। इसके साथ हमने मीठी चटनी खट्टी मीठी बनाई है। सो इस तरह से कट करेंगे, मैंने फ़ोन भी लिया है और काट भी रही हूँ, सो पूरा कट करके ही दिखाऊँगी मैं आपको। सो देखिए ऐसे है, बस इस तरह से आप ऐसे गोल गोल ऐसे काटते चले जाओ और एक रोल में कम से कम 7-8 पकौड़ी बनती है। सो ये जो रोल है ये माँ जी से मैंने करवाया, क्योंकि माँ जी बहुत अच्छा करती हैं। और ये देखो मैंने बेसन में हल्का सा डीप फ्राई किया तो बहुत अच्छा, ये क्रंची स्पाइसी, और वैसे भी हरी चीज़ हमेशा फ़ायदेमंद ही होती है।
सो हमारे यहाँ सावन में नहीं खाते इसलिए आज ही बन रहा है। सो ये आलू केले की भी पकौड़ी थोड़ी सी बनी है। आलू की पकौड़ी ट्विंकल के लिए बना है, ट्विंकल पत्ते की पकौड़ी नहीं खाती तो उसके लिए आलू की पकौड़ी। और ये खट्टी मीठी चटनी ट्विंकल को बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्विंकल का फेवरेट है तो मज़े से वो खा रही है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ट्विंकल कुछ भी नहीं पसंद। सो सबका ध्यान ही रखना पड़ता है। तो टीवी देख रही है, ट्विंकल खा रही है, आप लोग भी आ जाओ, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताना। सो चलिए मैंने थोड़ा सा बना के भी ट्विंकल को दे दिया। फिर वापस देखो मैं हल्के तेल में इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। और ये जो चावल और ये होता है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रंची होता है, तो चावल दाल को भिगो के पीस के उसमें थोड़ा सा और बेसन भी मिक्स कर दो, बहुत ही अच्छी क्रंची बनती है। तो मेरा देखो लुक कितना अच्छा बना है, मैं भी अपना ले आई। हालांकि मैं दो ही खाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बट मैं ट्विंकल को इसमें से दे दूँगी। सो आप लोग भी आ जाओ और फटाफट खा लो। उसके साथ मैंने मलाई वाली चाय बनाई, मुझे मलाई वाली चाय मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा चाय पसंद है पर मलाई वाली चाय पसंद है। सो ये मेरी चाय। उसके बाद सो दोस्तों आज है संडे, इसीलिए बेलपत्र भी तोड़ कर आया है। बेलपत्र हमेशा संडे को ही तोड़ के रख लेना चाहिए, मंडे को नहीं तोड़ा जाता है। तो कल व्रत है इसलिए माँ जी देखो कितना अच्छा सुंदर सुंदर तीन पत्ती वाला ये बेलपत्र लाए हैं, पर इसका डंठल तोड़ के रखना चाहिए और उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मैं छोटी छोटी टिप्स है जो वो भी बताती रहती हूँ। सो फ्रेंड सावन मास की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। और हमारे यहाँ पकौड़ी बना था भी, सब लोग खाए पिए, बहुत अच्छा लगा। और कल मुझे व्रत भी रहना है, बस कोई दिक्कत ना हो, डर भी लग रहा है क्योंकि मैं किसी की बात नहीं मान रही। हर कोई बोला मत रहो, पर मैं सोची हूँ रहने के लिए, पर मैंने ये मतलब मैं बहुत अच्छे से सब कुछ खा लूँगी, ऐसे मैं निराजल बिना जल वाला तो रहूँगी नहीं, सब खा पी के रहूँगी, मूँगफली वगैरह सब कुछ मैंने मार्केट से मंगा रखा है, तो सब कुछ खा पी के अच्छा सा भोग बनाऊँगी महादेव के लिए। आप लोग भी कल महादेव को बहुत अच्छा भोग लगाना। जो लोग व्रत नहीं रहते वो खीर का भोग लगा सकते हैं, और जो लोग व्रत रहेंगे वो साबूदाना का, मिश्री का, पंचामित्र का, दूध दही का, कुछ भी का आप लगा सकते हैं। सब अच्छे से पूजा किएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हर हर महादेव।